ग्रामर रूल्स के डे ट्वेंटी में आप सभी का स्वागत है Guys, आज कवर तो इस, इस, करने वाले हैं जो कि अभी तक हमारे बहुत सारे रूल्स कंप्लीट हो गए हैं और आज हमारा ट्वेंटी नाइन डे और आज का ये टॉपिक है वो है कंजंक्शन अब कंजंक्शन का नाम सुनते ही में से फिफ्टी परसेंट के स्टूडेंट ये सोचते हो गए कंजंक्शन बहुत ही हार्ड टॉपिक है जैसे पॉजिटिव व हार्ड है वैसे कंजंक्शन भी हार्ड है तो गाइज बिल्कुल नहीं अब कंजंक्शन को कंजंक्शन की तरह ना सीखकर एक नॉर्मल वर्ड मीनिंग की तरह समझो देखो आपको कंजंक्शन आसान लगने लगेंगे वैसे वैसे तो आप लोगों को ये बात पता है कि कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना है ना कंजंक्शन का काम होता है दो सेंटेंसेस को जोड़ना जो कि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ बहुत सारे कंजंक्शन आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ तो आप इस ये जो टॉपिक है कंजंक्शन इसे कंजंक्शन ना समझकर आप वर्ड मीनिंग समझो कि वर्ड मीनिंग मैम करवा रही है उसका एग्जाम्पल करवा रही है आप ये समझ के करो देखो आपको आसान लगेगा तो सबसे पहला जो आज का हमारा कंजंक्शन है वो है एंड एंड का मतलब होता है और ठीक है अब जहां पे आपके हिंदी वाले सेंटेंसेस आए कि राम और रोहन एक अच्छे मित्र है तो देखिए पर काम क्या कर रहा रहा एंड जो है दो है दो सेंटेंसेस को जोड़ पहला सेंटेंस कि राम राम एक अच्छा लड़का है मान लो एक आपका सेंटेंस है राम अच्छा लड़का है तो आप क्या बोलोगे आप बोलोगे राम इज अ गुड बॉय राम एक अच्छा लड़का है राम इज अ गुड बॉय अब आपको ये भी बताना है कि रोहन भी अच्छा लड़का है आपको ये भी बताना है कि रोहन एक अच्छा लड़का है तो आपने फिर से बोल दिया रोहन इज अ गुड बॉय रोहन इज अ गुड बॉय अब ये दो सेंटेंसेस बिल्कुल सेम है ना बस नाम का डिफरेंस है बाकी दोनों ही अच्छे लड़के हैं तो अब कंजंक्शन का यही काम होता है कि ये जो दो लेंदी लेंदी सेंटेंसेस आपको नजर आ रहा है ना इसको एक साथ मिलाकर बस एक ही सेंटेंसेस फ्रेम करना जैसे राम इज अ गुड बॉय ऐसे है और रोहन इज ए गुड बॉय दोनों में अच्छाई की बात हो रही है तो हम ये सेंटेंस को ऐसे भी तो बोल सकते हैं राम एंड एंड लगाकर हम रोहन का यूज कर देते हैं और पहले राम सिंगुलर था तो इज लगता था बट अब राम और रोहन दो हो गए हैं यानी कि प्लुरल हो गया है है ना तो यहाँ पर क्या यूज हो जाएगा आर यूज हो जाएगा आर गुड बॉयज ठीक है तो हमारा सेंटेंस देखिए अब दो सेंटेंस हम लंबा लंबा बोल रहे थे उसकी जगह हमारा एक ही सेंटेंस बन गया राम एंड रोहन आर गुड बॉयज ओके तो यही काम होता है कंजंक्शन का यानी कि दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़कर एक ही सेंटेंस ठीक है अब जरूरी नहीं है कि आपका दोनों सेंटेंसेस बिल्कुल सिमिलर हो कॉन्ट्रास्ट में भी, भी हो सकता है वो सभी चीज में आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगी ओके तो सबसे पहले बात करेंगे एंड एंड का मतलब होता है और जैसे कि एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे एक पत्र लिखे और इसे पोस्ट करें तो यहाँ पर और का जिक्र हुआ है यानी कि एंड का यूज करेंगे हम बोलेंगे राइट अ लेटर एंड पोस्ट इट और एक बात बता दू, जैसे कि कि मैंने प्रीपोजिशन में भी आपको कहा है प्रीपोजिशन को कभी भी हिंदी की तरह याद मत करो यानी कि जहां पर मे आ जाता है वहां पर इनका यूज कर दो ऐसा आप नहीं कर सकते प्रीपोजिशन को इंग्लिश के थ्रू ही समझो हिंदी की हेल्प लेकर नहीं समझो लेकिन कंजंक्शन मैं कहती हूँ कि हिंदी के थ्रू समझो क्योंकि हिंदी में जो मीनिंग आते हैं जैसे और या लेकिन परंतु बल्कि जो वर्ड आते हैं इसी से आप इंग्लिश में बोल सकते हो ठीक है यानी कि कंजंक्शन के लिए आपको हिंदी जरूरी है तो एक पत्र लिखो इसे पोस्ट करो राइट लेटर एंड पोस्ट इट ओके अब एक सेंटेंस हम फ्रेम करते हैं मैं बाजार गया और कुछ फल खरीदा तो यहां पे आप देख रहे होंगे पहला सेंटेंस है मैं बाजार गया उसके लिए हम बोलेंगे आई पास्ट का सेंटेंस है मैं बाजार गया हम बोलेंगे आई टू मार्केट मैं बाजार गया आई वेंट टू मार्केट और कुछ फल खरीदे और यानी कि एंड कुछ फल खरीदे बॉट सम सम फ्रूट्स फ्रूट्स बॉट तो बस हमारा सेंटेंस कंप्लीट हो गया आई वेंट टू द मार्केट एंड बॉट सम फ्रूट्स बहुत ही आसान है बस और के लिए आपको एंड का यूज करना है राम चतुर और ईमानदार दोनों थे और का जिक्र हुआ ये सेंटेंस आप बनाने की कोशिश करना वैसे तो इसकी पीडीएफ में आपको फ्री ऑफ कॉस्ट अपने टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों से शेयर कर देती हूँ पर डे की पीडीएफ आपको मेरी टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी एक मिनट मैं आपको दिखा देती हूँ कि किस तरीके से आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारे पीडीएफ मिल जाएंगे यहाँ पे आप लोग देख देख रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट की एक कमेंट आती है कि मैम पीडीएफ हमें नहीं मिल रहा तो गाइज आपको पीडीएफ डी मिलेगी जैसे आपने ये ऑन किया तो आप प्रिंगलिस क्लासेस पे क्लिक करोगे और आप नीचे जाओगे तो यहाँ आपको फाइल्स दिख जाएगा ओके फाइल्स पे जाओगे यहाँ पर आप देख सकते हो मैं डे वन से आप लोगों को दिखा देती हूँ यहाँ पे मैंने डे दे वन देखिए यहाँ डे दे वन से मैंने स्टार्ट किया है डे वन है डे टू है डे थ्री है डे अभी तक जितने भी मैंने करवाया ना सभी के पी देखिए एफ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डे ट्वेंटी फोर डेट ट्वेंटी फोर दो आ गया है ना गाइस हल्का सा मिस्टेक हो गया डेट ट्वेंटी टू के बाद ये जो आपको दिख रहा है ये आपका डे ट्वेंटी थ्री है बट डे ट्वेंटी फोर लिखा गया वैसे आप वीडियो के थ्रू समझ सकते हो डे ट्वेंटी फोर है ट्वेंटी फाइव है ट्वेंटी सिक्स है और इसकी भी इसकी बाद वाला पी मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी ओके okay? तो यहाँ पर आप लोगों को सभी दिख दिख जाएगा वीडियो के नीचे ही आपको सारे दिख जाएंगे जैसे डे ट्वेंटी है तो यहाँ पर इसकी पी आपको यहाँ पर मिल जाएगी ठीक है तो यहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करोगे ना तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट पर डे की पीडीएफ भी आप लोगों को मिल जाएगी तो आप लोग यहाँ से देख सकते हो ठीक है तो अब हम आ जाते हैं अब देखिए चलिए इसकी पीडीएफ मैं आप लोगों से शेयर कर दूंगी अब नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है वो है और अब काफी सारे स्टूडेंट की दिक्कत आती है एंड का मतलब तो समझ में आ जाता है और होता है बट और का मतलब होता है या, या अथवा एंड का मतलब दोनों सेंटेंसेस का काम होता है जोड़ना अब या में क्या मीनिंग निकलेगा कैसे आपको पता चलेगा कि और लगाना है तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई यानी कि दोनों जो सेंटेंस है दोनों में से एक ही काम कर सकते हो आप जैसे मैंने मेरे पास दो एक पेन है एक पेंसिल है मैंने आपके सामने ऑफर लिया तुम पेन ले सकते हो या पेंसिल यानी कि आप पेन और पेंसिल में से एक ही चीज ले सकते हो इसीलिए मैंने अपने सेंटेंसेस में या का जिक्र किया या फिर तुम पेन ले सकते अथवा पेंसिल यानी कि दोनों में से एक ही ले सकते हो तब हम वहाँ पर आपको यूज करना होगा आपको और का ठीक है अगर आपको दोनों देना होगा तो आप एंड का यूज करोगे और दोनों में से एक देना होगा तो आप वहाँ पर और का यूज कीजिएगा तुम काम कर सकते हो या पढ़ाई यू कैन डू वर्क और स्टडी यानी कि दोनों में से एक ही काम कर सकते हो नेक्स्ट है रोहन अथवा मोहन इधर आओ यानी रोहन आओ या मोहन इधर आओ दोनों में से एक ही को बुला रहे हो आप तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे रोहन और मोहन ओके रोहन एंड मोहन कम हियर। रोहन एंड मोहन कम हियर। मतलब रोहन इधर आओ या मोहन इधर आओ दोनों में से एक आओ इसलिए और का यूज किए करो या मरो ये सेंटेंस आप फ्रेम खींचेगा ओके चलिए नेक्स्ट कंजंक्शन देखते हैं नेक्स्ट हम आ रहा है बट बट का मतलब होता है लेकिन या बल्कि परंतु यही हमारे हिंदी में नहीं निकलते हैं बट के जैसे राखी चालाक है लेकिन ईमानदार है यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट शो कर रहा है एक तरफ तो वो चालाक है और एक तरफ वो ईमानदार भी है कॉन्ट्रास्ट यानी कि विरोधावास दोनों सेंटेंस एक दूसरे से अपोजिट तो साउंड करते हैं जैसे एक आपका हो गया वो चालाक है दूसरी साइड उसका अपोजिट वह ईमानदार भी है ठीक है तो ये कॉन्ट्रास्ट शो करता है यानी कि ऑपोजिट होते हैं सेंटेंसेस तो राखी चौलाक है राखी इ बट ऑनेस्ट वही ईमानदार है ओके उसके पिता आए लेकिन वह नहीं आया तो यहाँ पर भी ऑपोजिट है उसके पिता तो आए लेकिन वो नहीं आया ओके okay? तो ये सेंटेंसेस बोलेंगे उसके पिता यानी कि फादर उसके पिता आए हिज फादर कैम लेकिन यानी कि बट ही डिडन कम वो नहीं आया यानी कि कम ओके okay? तो इस तरह से आपको समझना है हिज फादर बट ही कम उसने कुछ खाना खरीदा लेकिन खाया नहीं अब ये सेंटेंसेस में भी ऑपोजिट उसने खाना तो खरीदा लेकिन खाया नहीं तो ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना ओके चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट अब हम बात करेंगे बिकॉज एज सिंस तीनों का मतलब होता है क्योंकि एक मिनट तीनों का मतलब होता है क्योंकि या चुकी के सेंस में हम यूज करते हैं बिकॉज एज या सेंस का जैसे हिंदी के थ्रू समझते हैं जैसे मैंने एक सेव खाया क्योंकि मैं भूखा था अब सेंटेंसेस में क्योंकि बीच में आ जाता है ना तो उसके लिए बिकॉज का यूज़ करते हैं सिंस या एज का यूज हम नहीं करते बीच में हम बिकॉज का ही यूज मिडिल में करते हैं हम बोलेंगे आई एट एन एप्पल बिकॉज आई वॉज हंग्री मतलब मैंने एक सेब खाया क्योंकि मैं भूखा था अब बहुत बार ऐसे सेंटेंसेस भी आते हैं ना जहां पर यहाँ चुकी वर्ड का यूज किया देखिए सिंस और एज का यूज स्टार्टिंग में किया जाता है और बिकॉज का यूज मिडिल में किया जाता है जैसे मदन विद्यालय नहीं आया क्योंकि वह बीमार था क्योंकि का यूज मिडिल में हुआ है तो ये सेंटेंस आप फ्रेम कीजिएगा मैं नेक्स्ट सेंटेंस बताती हूँ क्योंकि नेक्स्ट सेंटेंस थोड़ा सा अलग है देखिए चुकी रोहित वहाँ नहीं था मैंने उसकी माँ से बात की अब चुकी का यूज यहाँ पर हुआ है तो यहाँ या तो आप सेंस का यूज कर सकते हो या तो आप एज का यूज कर सकते हो दोनों में से किसी का भी यूज कर सकते हो मैंने एज का यूज किया तो हम बोलेंगे एज रोहित वॉज नॉट देयर मतलब रोहित वहां नहीं था एज रोहित वॉज नॉट देयर मैंने उसकी माँ से बात किया तो हम बोलेंगे आई स्पोक बात की पास्ट में आई स्पोक टू हिज मदर आई स्पोक टू हिज मत तो यहाँ पे आपने एक चीज नोटिस किया अगर आपका क्योंकि का यूज मिडिल में किया है तो आप बिकॉज का यूज करोगे और चूकी वर्ड का यूज स्टार्टिंग में किया गया तो एज ए सिंस दोनों में से किसी एक का यूज करना अब हमारा सो देो हैंस दैट्स वाई दैट्स द रीजन ये सभी का हिंदी मीनिंग होता है इसलिए यानी कि रीज़न बताते हैं ना कि मैं लेट से आया वो नहीं आया इसलिए उसे रिजेक्ट कर दिया गया मतलब वो लेट से आया इसलिए उसे नौकरी से रिजेक्ट कर दिया गया उसे निकाल दिया गया ओके okay, तो इस तरह से आप इसलिए किसी रीज़न को बताते हो तब वहाँ पर सो हैंड दैट्स वाई या दैट्स द रीज़न सभी में से कोई किसी का भी यूज़ आप कर सकते हो सभी राइट होंगे जैसे वह स्टेशन देरी से पहुँचे इसलिए ट्रेन छूट गया

यहाँ पर किसी का भी यूज कर सकते हैं तो उसका पुत्र दोषी पाया गया तो हम बोलेंगे हिज सन वॉज हिज सन वॉज फॉन्ड पाया गया फॉन्ड गिल्टी उसका बेटा गिल मतलब उसका जो पुत्र है बेटा जो है वो दोषी पाया गया हिज सन वो हिज सन वॉज फॉन्ड गिल्टी इसलिए इसलिए कि आप कि, किसी का भी यूज कर सकते हो तो चलो मैं सो का यूज करती हूँ ठीक है सो ही वॉज पनिस्ड सो ही वॉज पनिस्ड तो उसे दंडित किया गया पनिस्ड किया गया नेक्स्ट है उसने बकाया नहीं चुकाया बकायानी कि ड्यूज़ मैं यहाँ पर लिख देती हूँ ठीक है उसने बकाया नहीं चुकाया इसलिए वे मुश्किल में थे ये सेंटेंस आप फ्रेम करना, दो इसका आंसर कॉमेंट देना. अगर कोई दिक्कत आती है तो मैं इसकी पेड़ जब अपलोड करूँगी तो आप वहाँ से देख सकते हो ठीक है अब हम बात करेंगे एज सुन एज द मोमेंट ठीक है एज सुन एज और द मोमेंट यानी कि जैसे ही ये ऐसा सेंटेंसेज इसमें आते हैं जो एक एक्शन कंप्लीट हुआ और दूसरा एक्शन तुरंत स्टार्ट होता है जैसे ही जैसे सेंटेंसेज देखिए जैसे ही वो आया हम चले गए यानी कि जैसे ही वो आया मतलब एक एक्शन आने का कंप्लीट जैसे ही हुआ दूसरा एक्शन स्टार्ट हो गया ठीक है जैसे ही मैं वहां पहुंचा पापा ने मुझे बुला लिया यानी कि जैसे आप वह आप वहाँ पहुँचे पापा ने वापस आपको बुला लिया यानी कि एक एक्शन पहुँचने का कंप्लीट हुआ फिर बुलाने का एक्शन तुरंत हो गया यानी कि एक एक्शन के बाद दूसरा एक्शन तुरंत हो जाना वहाँ पर आप एज सुन एज का यूज़ कीजिए या द मोमेंट का यूज़ कीजिए जैसे वह आया हम चले गए एज सुन ही कम जैसे वह आया वी लेफ्ट हम चले गए जैसे ही वह आएगा मैं ऑफिस निकल जाऊंगा तो हम कैसे बोलेंगे जैसे ही वह आएगा अब ये सेंटेंसेस को हम बोलेंगे द मूमेंट द मूमेंट का यूज करके देखते हैं, ठीक है द मूमेंट ही कम्स जैसे ही वह आएगा द मूमेंट ही कम्स मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा आई लीव फॉर द ऑफिस फॉर द ऑफिस मैं ऑफिस के लिए निकल जाऊंगा अब यहाँ पर आप नोटिस कर रहे होंगे कि यहाँ पे हमने गागा गागेगी का यूज़ किया तो यहाँ पे हमने विल का यूज़ किया बट यहाँ पे गागेगी का यूज़ हुआ है बट हम यहाँ पर विल का यूज़ नहीं किए ऐसा क्यों तो गाइस मैं रीज़न बताती हूँ देखिए जब भी आपका सेंटेंस किसी कंजंक्शन के साथ आता है यहाँ पर जैसे ही क्या है आपका कंजंक्शन है कंजंक्शन के साथ अगर आपका फ्यूचर का कोई सा भी सेंटेंस आता है तो उसे आपको प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही बनाना होता है और उसके बाद वाला ये ये सेंटेंस सेंटेंस अलग है ये जो भी हो आपका फ्यूचर हो पास्ट हो कुछ भी हो उसके अकॉर्डिंग होता है फिर भी हम उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ही ट्रांसलेट करते हैं Next, जैसे ही बारिश होना बंद हुई हम चले गए ये सेंटेंस फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है हमारा एज वेल एज एज वेल एज यानी कि साथ ही साथ इसमें जैसे कि वह और साथ ही साथ उसके माता पिता भी पढ़े लिखे हैं यानी कि वह तो है ही साथ में उसके माता पिता भी है तो ऐसे सेंटेंसेस में एज वेल एज का यूज करेंगे जैसे वह साथ ही तुम्हारे कमरे में प्रवेश नहीं कर सकता वह साथ ही तुम यानी कि वह और तुम कमरे में प्रवेश नहीं कर सकते तो हम बोलेंगे ही एज वेल एज ठीक है कैन नॉट इंटर द रूम नेक्स्ट सेंटेंस देखिए मैं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहां है मतलब मैं तो हूं साथ ही साथ मेरे दोस्त भी यहां है तो ऐसे सेंटेंसेस को हम कैसे बोलेंगे हम बोलेंगे आई एज वेल एज आई एज वेल एज माई फ्रेंड्स मेरे दोस्त यानी कि माई फ्रेंड्स एम हेयर अब यहाँ पर आप लोगों को बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो रहा होगा कि मैम आपने माय फ्रेंड्स के साथ एम का यूज क्यों कर दिया ये तो आपने बहुत बड़ा मिस्टेक कर दिया तो गाइस मैंने कोई मिस्टेक नहीं किया है अभी जैसे मैंने एस के कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर किया था कि अगर किसी कंजंक्शन के साथ फ्यूचर का सेंटेंस आते हैं तो उसे प्रेजेंट इंडेफिनेट में ट्रांसलेट किया जाता है तो यहाँ भी कुछ रूल लागू होता है एज वेल एज में कि आपने यहाँ पर दो सब्जेक्ट का जिक्र तो किया एक आपका मे है और एक मेरा दोस्त है ठीक है आई और माई फ्रेंड का आपने यूज किया बट जो यहां पर वर्ब लगेंगे ना वो फर्स्ट वाले according के अकॉर्डिंग लगेंगे यानी कि आई के अकॉर्डिंग हमने यहां पर मे का एम का यूज किया मान लो यहां पर ही रहता है स्टार्टिंग में ही रहता तो मैं यहां पर इसका यूज करती अगर यू रहता तो मैं यू के अकॉर्डिंग आर का यूज करती समझ में आया तो यहाँ जो एम का यानी कि हेल्पिंग वर्ब का जो यूज हुआ है वो आई के अकॉर्डिंग हुआ है ना कि माई फ्रेंड के अकॉर्डिंग याद रखेगा एज वेल एज में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी होता है ठीक है नेक्स्ट है वो अच्छा फुटबॉल खेलता है साथ ही साथ वो क्लास में फर्स्ट भी आता है ये सेंटेंस आप हाँ, फ्रेम कीजिएगा और इसका आंसर कमेंट में दीजिएगा टूटा फूटा जैसे समझ में आता है बस आप फ्रेम कीजिएगा बाकी मैं संभाल लूंगी ओके नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट अब हम बात करेंगे एज फायस एज फायस यानी कि जहां तक जहाँ तक मैं तो उसे जानता हूँ वह पढ़ाई लिखाई नहीं करता तो जहाँ तक मतलब जितना आपको इन्फॉर्मेशन है इसके लिए एज़ फार एज का यूज़ किया जैसे जहाँ तक मैं जानता हूँ वह शादीशुदा है एज़ फार एज़ आई नो शी इज़ मैरिड ये बहुत ही ये बहुत ही आसान होते हैं जहाँ तक मुझे पता है वो एक अच्छा लड़का है तो जहाँ तक यानी कि एज़ फार एज ये सबसे ईजी होते हैं सबसे ईजी कोई रूल ही नहीं इसमें है जहाँ तक मुझे पता है मुझे पता है यानी कि एक मिनट एज एज फार एज आई नो मुझे पता है यानी कि आई नो वह एक अच्छा लड़का है यानी कि ही इज अ गुड बॉय क्या हार्ड था बिल्कुल हार्ड नहीं था लेकिन अगर मैं अचानक आपसे एज एज फार आज के अगर पूछ देती तो आप बहुत कंफ्यूज हो जाते बट अब नहीं होगे ना बहुत ही आसान होते हैं नेक्स्ट है जहां तक मुझे याद है तुम्हारे पे तुम्हारे पास एक कार थी ये सेंटेंस आप फ्रेम करना एक एक मैं सेंटेंसेज आपको होमवर्क के लिए इसी दे रही इसलिए दे रही हूँ ताकि आप इसे फ्रेम अभी करोगे ना तो आपको समझ में आएगा कि क्या कौन से कंजंक्शन आपको समझ में आ गए और किस में आपको दिक्कत है ठीक है अब नेक्स्ट देखिए अब हम बात करेंगे एज एडजेक्टिव एस सो एडजेक्टिव एज दोनों का मतलब ये ये यूज करो या ये यूज करो दोनों का मतलब होता है उतना यहां पर आपका जो वहां पर विशेषण यानी कि एडजेक्टिव का यूज होगा उसका यूज करेंगे जितना ठीक है अब देखिए यहाँ पर और एक चीज अगर आपका सेंटेंस पॉजिटिव यानी कि अफर्मेटिव हो या नेगेटिव हो तो आप ये वाला ये यूज कर सकते अगर हो अगर पॉजिटिव है या नेगेटिव और डजेंट मैटर आप इसके साथ ये यूज़ कर दोगे लेकिन अगर आप सो so का यूज करना चाहते हो तो आप सिर्फ और सिर्फ उसे नेगेटिव में ही यूज कर सकते पॉजिटिव में कभी नहीं यूज़ कर सकते एग्जाम्पल के थ्रू वो मेरी जैसी खूबसूरत नहीं है या तो आप ये सेंटेंस को ऐसे ही बोल सकते थे कि जितनी मैं खूबसूरत हूँ उतना वह खूबसूरत नहीं है ओके She is as beautiful as I. अब as का यूज़ हम पॉजिटिव में कर सकते बट सो so का यूज़ आप सोचोगे she is so beautiful as I बोल दे गलत हो जाएगा क्योंकि सो so का यूज़ नेगेटिव में किया जाता है याद रखिएगा मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम मुझसे प्यार करते हो उतना जितना है ना यूज़ हुआ है तो हम ये सेंटेंसेस को बोलों बोलेंगे या ये भी हमारा सेंटेंस पॉजिटिव है यानी कि एज का यूज़ करेंगे हम बोलेंगे आई लव यू एज मच एज मच एज जितना उतना यू लव मी यू लव मी आई लव यू एज मच एज यू लव मी मैं तुमसे उतना प्यार करता हूँ जितना वह मुझसे जितना तुम मुझसे प्यार करते तुम मेरे जितना चालाक नहीं हो या फिर आप ऐसे बोल सकते हो जितनी मैं चालाक हूँ उतनी तुम चालाक नहीं हो ऐसे भी आप सेंटेंसेस को बोल सकते हो ठीक है चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट है एज इफ एज दो एज इफ एज दोनों में से किसी का भी यूज कर दो तो, दोनों का हिंदी मीनिंग होता है जैसे कि या मानो वो ऐसे व्यवहार करता है जैसे कि वो कहीं का राजा हो या फिर ऐसे एस, वो ऐसे व्यवहार करती है मानो वो कहीं की महारानी हो ऐसे बोलते हैं ना तो उसके लिए आप एज इफ या एज दो का यूज़ कर सकते हो एग्जाम्पल उसने ऐसा व्यवहार किया मानो उसे परवाह ही नहीं था ही डिड केयर या फिर एज दो ही डिडन केयर ओके okay. वो उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे कि दोनों पुराने दोस्त हो जैसे कि या मानो दोनों पुराने दोस्त है दोनों में से कोई भी हिंदी मीनिंग निकालो सेंस वही निकलेंगे ठीक है तो उसने उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई यानी कि सी, स्मायल्ट, सी स्मायल्ट at him. as दो का भी यूज कर सकते एज if का भी यूज कर सकते हो ठीक है as दो they were, they were ओल्ड फ्रेंड्स मतलब पुराने दोस्त है ऐसे मानो वो पुराने दोस्त है ओल्ड फ्रेंड्स तो हमारा सेंटेंस हो गया सी स्माइल एट हिम एज दो देवर ओल्ड फ्रेंड वो उसे देखकर ऐसे मुस्कुराई जैसे मानो वो पुराने दोस्त हैं तुम तो हमें ऐसे बता रहे हो जैसे कि तुम्हें सब पता है ये सेंटेंस आप फ्रेम करना ऐसा बहुत सारे सेंटेंसेज हम यूज करते हैं अपनी डेली लाइफ में नेक्स्ट देखिए यहाँ पर बहुत सारे कंजंक्शन आपको दिख रहे होंगे ऑल दो even if even though इन चारों का मतलब होता है यद्यपि हालांकि भले ही देन आल्सो इवन देन येट स्टिल हाउएवर नेवरtheless फिर भी तब भी इसके बावजूद भी ये सब इसके हिंदी मीनिंग होते हैं ठीक है सेंटेंसेस देखिए अब ये जो आपको दिख रहा है ऑल्दो देन आल्सो ये एक ही वीडियो एक ही सेंटेंसेस में दोनों का यूज किया जाता है कैसे यूज किया जाता है हालांकि वो बीमार थे फिर भी वो कार्यालय में आए हालांकि 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 हाला के लिए आप ऑल दो किसी का भी यूज कर सकते हो तो मैंने even though का किया वो बीमार थे फिर 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 भी 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 के लिए आप also, then, yet, still, however, या किसी का भी यूज कर सकते हो तो मैंने का किया मैं बोलूंगी इवन दो ही हालांकि वो बीमार थे nevertheless, फिर भी कार्यालय गए यानी कि ऑफिस गए तो आप इसके साथ इवन दो की जगह आप औल्दो का भी यूज कर सकते थे नेवर्थलेस की जगह देन ऑल्सो का भी यूज़ कर सकते थे ठीक है आपकी मर्जी यद्यपि देर हो चुकी थी फिर भी हम फिर भी मैं पार्टी में गया ठीक है फिर भी पार्टी में गया तो यद्यपि आप दो का भी यूज कर सकते हो ऑल्दो का भी यूज कर सकते हो ठीक है किसी का भी यूज कर सकते हैं दो इट वॉज लेट एट वॉज लेट यद्यपि देर हो चुकी थी दो इट वॉज लेट वॉज लेट फिर भी वो पार्टी में गया तो फिर भी के लिए हम स्टील का भी यूज कर सकते हैं ना तो हम बोलेंगे टू द पार्टी वैन टू दी तो हमारा सेंटेंस हो गया दो इट वॉज लेटील वैन टू द पार्टी हालांकि बारिश हुई थी हम लोग टहलने नहीं गए ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और एक चीज मैं आपको क्लियर कर दू आप ऑल्दो दो किसी का भी यूज करो तो यहाँ पे आप तो एक चीज आप लगा रहे हो ना नैस का यूज करो इवन दो स्टील ये सब का यूज कर रहे हो आप इन सब का यूज ना करके सिर्फ एक कॉमा भी अगर आप लगा देते हो ना तो भी चल जाएगा जी बिल्कुल यहाँ पे जैसे हालांकि बारिश हुई थी तो हालांकि के लिए मान लो आपने ऑल्दो का यूज कर दिया तो यहाँ पर कॉमा है तो आप भी कॉमा का यूज करना इनमें से कुछ भी यूज मत करना कुछ भी यूज मत करना ठीक है उसके बाद हम लोग टहलने गए आप सिंपल बना देना कॉमा देना लेकिन ओके अब बनाना मैं चेक कर लूंगी क्या गलत है क्या सही है ओके चलिए नेक्स्ट अब देखते हैं नेक्स्ट अब है ईदर और इसका तो यूज बहुत ज्यादा किया जाता है ये तो आप लोगों को भी पता होगा ईदर और का मतलब होता है या तो ये या तो वो जैसे या तो तुम खाना बना सकते हो या बाहर खा सकते हो आपके सेंटेंस में या तो ये या तो वो का ऑप्शन जरूर आएगा तुम तो इसीलिए मैंने बोला कि हिंदी आप जरूर याद कीजिएगा या तो तुम खाना बना सकते हो यू कैन ईद कुक फूड या बाहर खा सकते हो यू कैन ईद कुक फूड एट होम और ईट आउटसाइड तो ईद और का यूज जरूर नहीं आप स्टार्टिंग करोगे ये हमेशा अलग अलग यूज होता है ओके नेक्स्ट है या तो आप पागल हो या आपके दोस्त पागल हैं है ना तो हम बोल सकते इधर इधर यू आर मैड इधर यू आर मैड या तो आप पागल है इधर यू आर मैड या आपके दोस्त और योर फ्रेंड योर फ्रेंड या तो आप पागल है या आपके दोस्त इधर यू आर मैड और योर फ्रेंड या तो वह बाजार गया या उसके पिता ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कमेंट में देना ओके चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट अब हम बात करेंगे नीदर नॉर नीदर नॉर का मतलब होता है ना ये ना वो ये नेगेटिव की तरफ वर्क करता अब ईदर में क्या था देखिए ईदर में क्या था आपके पास चॉइस थी या तो तुम खाना बना सकते हो या बाहर खा सकते हो मतलब दोनों में से आप एक काम कर सकते हो ठीक है और नीदर और नॉर में क्या है ना तुम गलत हो ना वो यानी कि दोनों में से कोई गलत नहीं है आप ऐसा कहना चाहते हो ठीक है ना तुम गलत हो ना वो नीदर यू आर रॉन्ग नॉर शी इज मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो यानी कि ना ही मैं दिल्ली जाऊंगा ना वो जाएगा दोनों में से कोई नहीं जाएगा नेगेटिव ये वर्क करते हैं ओके तो हम बोलेंगे नीदर नीदर या नाइदर ओके नीदर आई विल गो टू डेली गो टू डेली ना मैं दिल्ली जाऊंगा नॉर हेवल ना वो जाएगा ओके नीदा आई विल गो टू डेली नॉर हेवल ठीक है ना ही चालाक है ना ही ईमानदार ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना ओके okay? चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन क्या है सो गाइस नेक्स्ट हमारा कंजंक्शन है नोट ऑनली बट ऑल्सो नॉट only बट ऑल्सो का मतलब होता है ना केवल बल्कि जैसे वह ना केवल अच्छा पढ़ता ही है बल्कि वह अच्छा गाना भी गाता है मतलब पढ़ाई और गाने दोनों में वह परफेक्ट है तो आप ऐसे बोलते हो ना ना केवल वो अच्छा पढ़ता है बल्कि अच्छा खेलता भी है नॉट ओनली शी स्टडी वेल ना केवल वह अच्छा पढ़ता है बल्कि अच्छा खेलता भी है बट ऑल्सो प्लेज वेरी वेल ओके नेक्स्ट है वह के ना केवल गा रहा है बल्कि नृत्य भी कर रहा है तो हम बोलेंगे आप नॉट ओनली का यूज बीच में भी कर सकते हो आप ऐसे ही बोल सकते हो ही इज नॉट ओनली ही इज नॉट ओनली सिंगिंग सिंगिंग ही इज नॉट ओनली सिंगिंग वह ना केवल गा रहा है बल्कि बट ऑल्सो बल्कि के लिए हमने बट ऑल्सो का यूज किया डांस भी कर रहा है यानी कि डांसिंग तो हमारा सेंटेंस हो गया ही इज नॉट ओनली सिंगिंग बट ऑल्सो डांसिंग वह ना केवल नृत्य ही कर रहा है बल्कि डांस भी कर रहा है वह ना केवल हिंदी पढ़ता है बल्कि अंग्रेजी भी अच्छी तरह से पढ़ता है ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना ठीक है नेक्स्ट वाला देखिए नेक्स्ट क्या है हमारे सो गाइज नेक्स्ट है बोथ एंड बोथ एंड का मतलब होता है दोनों और इनमें दोनों का जिक्र होता है दोनों और और दोनों आपके हिंदी वाले सेंटेंस में आएंगे जैसे वह पढ़ने और खेलने दोनों में माहिर हैं और का भी जिक्र हुआ और दोनों का भी जिक्र हुआ ना सिर्फ और आपको नहीं मिलेगा और और दोनों दोनों आपके सेंटेंस में रहेंगे ठीक है जैसे वह पढ़ने और खेलने दोनों में माहिर है ही इज बोथ प्रोफिशियंट इन स्टडिंग एंड प्लेइंग नेक्स्ट है राम चतुर और ईमानदार दोनों थे और का जिक्र हुआ दोनों का भी जिक्र हुआ है ना तो हम ये सेंटेंस को बोलेंगे राम वोज राम वोज बोथ क्लेवर राम वॉज बोध क्लेवर एंड ऑनेस्ट हमारा सेंटेंस हो गया राम चतुर और ईमानदार दोनों थे राम वॉज बोध क्लेवर एंड ऑनेस्ट यह में बच्चे और व्यस्त दोनों के देख सकते हैं ये सेंटेंस आप फ्रेम करना चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्या है सो गाइज नेक्स्ट ए नो सुन है जैसे कि आप अपने सेंटेंसेस में ऐसे बोलते हो ना मैं पहुंचा ही था कि वह ट्रेन चला गया तो ऐसे वाले सेंटेंस जिसमें ही था का यूज किया जाता है नो सुनर हैड का यूज करेंगे उसके बाद आपके सेंटेंसेस में दैन का भी यूज करेंगे जैसे मैं पहुंचा ही था कि वो आ गए नो सुनर हैड आई रिस्ड कैम नेक्स्ट है हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी, हम स्टेशन पहुंचे ही थे यानी कि नो सुनर हैड नो सुनर हैड वी रिस्ड ट वेस्ट द स्टेशन वेवरिस्ट द स्टेशन मतलब हम स्टेशन पहुंचे ही थे कि ट्रेन चल दी देन द ट्रेन लेफ्ट द ट्रेन लेफ्ट ट्रेन चल दी ओके okay? जैसे ही उसने पत्र पढ़ा वो रोने लग गई ये सेंटेंस आप फ्रेम करना और इसका आंसर कॉमेंट में देना चलिए नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट है हमारा वेदर ऑर वेदर ऑर का मतलब होता है की या किया इसका मतलब हो गया जैसे कि मुझे ऐसे सेंटेंसेस देखिए इसमें कैसे आते हैं मुझे नहीं पता कि वह खाना खाएगा या नहीं कि या ओके मुझे नहीं पता कि वह खाना खाएगा या नहीं आई डोंट नो he will ईट और नॉट ठीक है नेक्स्ट तुम बुरा नहीं मानना कि वे नहीं आते या नहीं वे आते या नहीं तुम बुरा नहीं मानना कि वे आते हैं या नहीं मतलब वो आएंगे या नहीं आएंगे तुम बुरा मत मानना आप ऐसे कहना चाहते हो तो आप ये सेंटेंसेस को बोलोगे तुम बुरा मत मानना यानी कि यू डोंट यू डोंट माइंड तुम बुरा मत मानना यू डोंट माइंड कि वे लोग आते हैं या नहीं वेदर दे कम वेदर दे कम एक मिनट कम दे कम और नॉट ओके जाओगे या नहीं ये कमेंट में देना गाइस देखिए इसी तरह से मैंने आप लोगों के लिए अभी बहुत सारे ये आपको दिख रहा ना ये सारे जो कंजक्शन ये सभी आपको पी में मिल जाएंगे ठीक है इसकी प्रैक्टिस पहले मैं चाहती हूँ कि मैंने जो ऊपर में आप लोगों को दिया है पहले आप इसकी प्रैक्टिस कर लो इन सारे की प्रैक्टिस कर लो एक ही साथ बहुत सारे अगर हमारे पास वर्ड मीनिंग भी हो जाते हैं ना तो हम उसे याद नहीं कर पाते हैं और यहाँ तो आपको उसके सेंटेंसेस भी बनाना सीखना है तो पहले जितना मैंने आपको कंजंक्शन दिया वैदर और तक यहाँ तक आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लो अगर इसकी प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन भी चाहिए तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताना जिससे मैं आगे वाले कंजंक्शन में क्लियर कर दूँ और साथ में इसकी प्रैक्टिस के लिए कुछ क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए लेकर आऊँ तो जैसा आप लोग चाहते हो क्वेश्चन लेकर आऊँ या प्रैक्टिस करवाऊँ आप मुझे कॉमेंट में ज़रूर बताना आपको ये क्लास कैसे लगे कमेंट में जरूर बताइएगा मैंने पूरी कोशिश की है आपको समझाने की अब आप आपके ऊपर ऐसे प्रैक्टिस कीजिए तभी आपको समझ में आ जाएगा क्योंकि कंजंक्शन आपको कंजंक्शन की तरह नहीं बल्कि वर्ड मीनिंग की तरह याद करना है जैसे हिंदी थ्रू आप इंग्लिश याद करते हो ना वैसे ही आपको इसे याद करने हैं तो अगर आप अगर अगर आप हमारे चैनल पर नए हो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब कर आने वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि रोज़ आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहेगी और गाइस अगर आप इसी तरह से पॉजिटिव वब वाली वीडियो को देखना चाहते हो तो लेफ्ट साइड क्लिक करके आप हमारी पॉजिटिव वब वाली वीडियो को जरूर देखिएगा वहाँ पर मैंने पूरी डिटेल में पॉजिटिव वब क्लियर किया है और ऐसा ही क्लिक करके आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर जिस भी टॉपिक पे आपको कंफ्यूजन है वो टॉपिक वाली वीडियोस को जरूर विजिट कर सकते हो तो मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ दिल दिन बाय बाय टेक केयर